नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep। करंट अफेयर का एक पार्ट हमने डिस्कस किया था और अब दूसरे पार्ट की बारी है। दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तरीका वही होगा। आज भी हम 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आज का जो ये पहला प्रश्न है, हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कितने लोग धातु प्रदूषित पानी का सेवन करते हैं, यानी कि जो लोग मेटल पोल्यूटेड वाटर का रूरल एरियाज में कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, कितनी संख्या है। ये एक रिसेंट सर्वे किया गया है, तो ये जो संख्या है वह है 4 करोड़। 4 करोड़ लोग, माना जा रहा है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार ये पोल्यूटेड धातु प्रदूषित जल को पीते हैं और ये बहुत नुकसान करता है। इसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट होते हैं और पश्चिम बंगाल और राजस्थान इसके मामले में सर्वोच्च स्थान पर है। इन दो स्टेट में ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये पोल्यूशन हर तरह का बढ़ रहा है, जल में भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, ध्यान रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कमीशन के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका सही आंसर है क्रिश गेल। जो क्रिश गेल है उसने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, 39 साल के हैं और इन्होंने 488 छक्के लगाए हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड 476 के साथ में शाहिद अफरीदी के पास में था। अगर T20 में पूछा जाए तो कौन है, तो ये रोहित शर्मा है और मार्टिन गुपलिट का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन ये दो आप मत भूलिएगा कि क्रिश गेल के सबसे ज़्यादा हैं और रोहित शर्मा के T20 में सबसे ज़्यादा हैं, ये दोनों भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन BCCI के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है, जो लोकपाल हैं वो DK जैन हैं। ये पूर्व न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश ही लोकपाल बनाए जाते हैं। तो ये भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। 21 फरवरी 2019 को इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में EPFO ने PF की ब्याज दरों में 0.1% की बढ़ोतरी की है ना। तो जो EPFO है उसने PF इंटरेस्ट रेट जो है 0.10 इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज करने के बाद में विच विल नाउ बी टोटल, अब ये कितना है, तो ये जब 10% 0.1% 10% नहीं 0.1%, तो ये इंक्रीज जब हुआ है उसके बाद में हो गया है 8.65। पहले ये क्या था 8.55%, अब ये हो गया है 8.65%। ये जो किया गया है 21 फरवरी को किया गया है और इसका जो है PF खातों पर ये असर पड़ेगा, ब्याज इसमें इतना प्रतिशत मिलेगा, कितना, 8.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया, वो क्या थे, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, अभिनेता, साहित्यकार। तो ये थे साहित्यकार, बहुत बड़े आलोचक थे हिंदी के, साहित्यकार थे। 19 फरवरी को इनका निधन हो गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगर बात की जाए तो भारतीय भाषा केंद्र की स्थापना करने में इनका बहुत योगदान रहा है और हिंदी साहित्य को इन्होंने एक मुकाम पर पहुंचाया। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आलोचना विधा जो है वो इन्हीं के कारण आज इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है हिंदी की आलोचना विधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 76वें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुआ। तो ये जो देश है वो है पलाऊ, जो सौर संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया है उसका ये 76वां सिग्नेटरी बना है, ठीक है ना। 121 देशों का ये गठबंधन है। ये ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, जहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है। प्राथमिक उद्देश्य जो इसका है, सौर ऊर्जा के कुशल दोहन के लिए इसको बनाया गया है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए इसको गठित किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो पहल की थी वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसको उन्होंने कहा था कि जो ये देश हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में हैं, सूर्यपुत्र की संज्ञा दी थी, सन ऑफ द सन, सूर्यपुत्र की उन्होंने संज्ञा भी दी थी, है ना। हमारे जो PM हैं उनकी आदत है कुछ ऐसे सूत्र वाक्य बोलना और बढ़िया भी है, याद भी हो जाता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन IAF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है हिना जायसवाल, ये पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है, ध्यान रखिएगा। और बताइएगा कि भावना कंठ क्या थी, भावना कंठ के बारे में बताइएगा। और इन्होंने जो ये पहली
महिला फ्लाइट इंजीनियर है वो बेंगलुरु के उत्तरी उपनगर में स्थित एलाहांका एयरबेस है। ये भी पूछा जा सकता है एलाहांका एयरबेस कहाँ है, तो वहाँ से इन्होंने फ्लाइट मतलब वहाँ से जो हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट लेफ्टिनेंट पहले ये थी, बाद में ये फ्लाइट इंजीनियर बन गई। ध्यान रखिएगा, किस भारतीय व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोलर और SAG है ना, ASG कंट्रोलर और ASG पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, चंद्रमौली रामनाथन। चंद्रमौली रामनाथन को इस पद के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इनकी नियुक्ति की है। बजट तथा वित्त विभाग में इनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह वित्त प्रबंध स्ट्रेटजी के कार्य को भी देखेंगे। ध्यान रखिएगा, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो इसमें वेस्टइंडीज का कौन सा खिलाड़ी इसने संन्यास लिया, तो वह है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने 17 फरवरी 2019 को संन्यास ले लिया वनडे क्रिकेट से, और वेस्टइंडीज की ओर से दोहरा शतक जड़ने वाले ये इकलौते बल्लेबाज थे। 2015 के विश्व कप के दौरान 215 रन की पारी खेली थी, और इस दौरान विश्व कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले वे पहले खिलाड़ी बने थे इस दौरान, और वो अपने देश के लिए रन बनाने के मामले में सिर्फ ब्रायन लारा से पीछे हैं और सबसे आगे हैं, सेकंड पोजीशन इनकी है। कहने का मतलब ये है, तो क्रिस गेल ने वनडे से अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में 3 वर्षों के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावन पुरस्कार दिए गए, जिसमें 2016 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसमें 3 सालों के दिए गए, इनमें 2016 सबसे लेटेस्ट 2016 है उसको छाया सॉरी 2016 का जो पुरस्कार है वो रामजी तुसार को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया, रामजी तुसार, ये गलत यहाँ पे शो हो रहा है, रामजी तुसार को दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2014, 15 और 16 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार ये 3 वर्ष के लिए दिए गए, 14 के लिए दिया गया है राजकुमार सिंघाजीत सिंह को, 15 के लिए छायानट को, और 16 के लिए दिया गया है रामजी सुतार को, रामजी सुतार। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करें तो 11 नंबर ये प्रश्न है, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2019 के अंतर्गत किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये फिल्म कौन सी थी, और ये फिल्म थी रोमा। बाफ्टा अवार्ड जो है इनका कार्यक्रम जो 72वां कार्यक्रम था लंदन के रायट अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया, और अल्फोंसो क्यूरो द्वारा निर्देशित ये रोमा फिल्म है। इसके डायरेक्टर का भी आपको नाम याद रखना चाहिए, कौन है इसके डायरेक्टर, अल्फोंसो क्यूरो, और इनको बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर सहित कुल 4 खिताब मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। और रामी मलेक ने बोहेमियन रैप्सोडी के लिए बेस्ट एक्टर, और ओलिविया कैपलेन ने द फेवरेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये हैं सुशील अरोड़ा। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कहवे हैं 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1+2 होता है ना, तो दो जो चुनाव आयुक्त हैं वो अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन थेरेपी सेंटर आरंभ हुआ, तो प्रोटोन थेरेपी सेंटर कहाँ पे आरंभ हुआ, यह है चेन्नई। प्रोटोन कैंसर सेंटर का ये उद्घाटन जो किया गया है यहाँ पर, ये अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और कैंसर पीड़ितों को एक विशेष रूप की रेडियोथेरेपी यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, कहाँ किया गया है, चेन्नई में, और ये भारत का ही नहीं दक्षिण पूर्व एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया का पहला सेंटर है, फर्स्ट प्रोटोन थेरेपी सेंटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI भी इसको बोलते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें भारत की रैंक पूछा जा रहा है वो क्या है, तो भारत की रैंक है 78, 180 देशों की सूची जारी की गई और उसके अंतर्गत भारत को 78वां स्थान दिया गया है, 78। 2017 में 81वें स्थान पर था और 18 में फिर ये 18वें स्थान पर 78वें स्थान पर पहुंच गया, और इस बार भारत को सूचकांक के अंतर्गत 41 अंक प्राप्त हुए हैं, पहले जो 2017 था उसमें 40 थे, 15 में 38 थे, यानी कि थोड़ी स्थिति में सुधार हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान एक कैंसर जागरूकता वॉक का आयोजन कर रहा है। यह अस्पताल कहाँ स्थित है? यह अस्पताल कहाँ पर स्थित है? तो ये अस्पताल जो है वो स्थित है कहाँ पर? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अस्पताल कहाँ पर है, महात्मा गांधी वाला? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कैंसर अस्पताल है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF है ना, क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये क्या है? INF ट्रीटी। ये US और सोवियत संघ के बीच में ये हुई थी। इसकी अवधि क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो अवधि है वो अनलिमिटेड है, कोई इसकी सीमा नहीं है। कितनी अवधि है? अनलिमिटेड अवधि है इसकी। हाल में इसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, अभी कुछ विवाद चल रहे हैं, लेकिन बाय द वे पहले प्रश्न सेट किया गया होगा तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना? ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, पुराने पेपर भी सेट कर दिए जाते हैं ऐसे ही, है ना, पुराने क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं पेपर में, तो वैसे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 फरवरी 2019 को सुअर और सुअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया? क्योंकि पोर्सिन प्रजनन और श्वसन सिंड्रोम PRRS के प्रकोप की संभावना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये था मिजोरम। मिजोरम ने सुअर और सुअर के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया था पोर्सिन प्रजनन और श्वसन सिंड्रोम PRRS के प्रकोप की संभावना के कारण। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर और बनते हैं कि ये किसने लगाया तो हो ही गया, ये किस प्रकोप के कारण किया गया, और एक प्रश्न और बनता है कि PRRS को और किस नाम से सामान्य रूप में जाना जाता है, तो वो नाम है स्वाइन फ्लू। इसको स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो वायरस होता है वो आमतौर पर सुअरों, जो सुअर होते हैं, सुअरों से फैलता है और मानव जाति और सुअर दोनों को प्रभावित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया का 12वां संस्करण एरो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक तो 12वां संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेंगलुरु के एलहंका वायुसेना जो स्टेशन है वहीं पर आयोजित किया गया है, बंगलोर में आयोजित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, कितने देशों ने ईरान के साथ मिलकर इंस टैक्स नामक एक भुगतान चैनल स्थापित किया? तो ये कौन कौन से देश हैं? 3 देश इसमें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत लिख गया है, और ये गलत टाइप है, मतलब ऐसे ही लिख गया है गलती से। तो ये 3 देश हैं, इन 3 देशों में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 3 देश हैं, इन्होंने मिलके ये किया है। और ये जो भुगतान चैनल है वो ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर करने में मदद करने के लिए किया गया है। तो बड़ा क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो स्टेटमेंट दिया जाएगा कि इन इन देशों ने भुगतान चैनल पर हस्ताक्षर किया, और ऐसा कहा जाएगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर करने की बजाय, है ना, इसको दे देगा कि जारी रखने, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? देशों के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ये जो विशेष भुगतान प्रणाली है, ये तेहरान को यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ व्यापार करने की अनुमति देती है, और ईरान परमाणु समझौते को बचाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP का नाम बदल दिया, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन था DIPP, उसका नाम अब क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसका नाम अब हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति एवं संवर्धन विभाग था जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, इसका नाम आंतरिक व्यापार क्या किया गया है, आंतरिक व्यापार, एक मिनट, आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग DPIIT ये कर दिया गया है। और उसे अन्य कामों के साथ में जो स्टार्टअप से जुड़े मुद्दे हैं और कारोबार सुगमता की बात है उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को हराने के बाद किस देश ने अपना पहला एशियाई कप जीता?
कौन सा ऐसा देश है जिसने जापान को हरा दिया और अपना पहला एशियाई कप जीता? क्वेश्चन को समझिएगा, अंग्रेजी में अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़े तो ये हुइच कंट्री वन इट्स फर्स्ट एशियन कप आफ्टर डिफीटिंग जापान, तो ये कौन सा देश है? और ये देश है कतर। कतर ने इसको जीत लिया, पहला एशियाई कप, जापान को 3-1 से हराया। और ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब जापान एक एशियाई कप के फाइनल में हार गया है, नहीं तो अभी तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी ये हारा नहीं था। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार वैश्विक आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 35 की अवधि में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर होगा? दुनिया का, भारत का ही नहीं, मतलब 2019 से 2035 का जो पीरियड रहेगा उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी ये होगा, और ये शहर कौन सा है? और ये शहर है सूरत, है ना? तो सूरत को कहा गया है कि ये सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर होगा। और इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि जो दुनिया के 10 फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटीज होंगे, जो सबसे ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे, सबसे तेज ग्रो करेंगे, उनमें भारत की सिटी होंगे, है ना? तो वो भारत की ही सिटी होंगे, ऐसे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसान सुविधा ऋण उत्पाद लॉन्च किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है उज्जीवन लघु वित्त बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसने किसान सुविधा ऋण योजना उत्पाद सेवाओं के लिए पिरामिड के सबसे निचले स्तर यानी बॉटम लाइन, देखिए जरूरत क्या है, लोन बड़े लोगों को आसानी से मिलता है, छोटे लोगों को आसानी से नहीं मिलता, और जरूरत सबसे ज्यादा छोटे लोगों को होती है। तो ऐसी सुविधाएं जब होती है ठीक है, लेकिन कई बार इसमें गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें फरवरी का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है इधर उधर के थोड़े बहुत मिले, नहीं जनवरी का हम कर चुके हैं, फरवरी का कर रहे हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी एक प्रश्न है। इस बार का जो 2019 का ये वेटलैंड दिवस रहा है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो इसकी थीम क्या रही है? और इसकी थीम रही है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। क्या रही है? वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो 2019 की ये थीम ध्यान रखिएगा, इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। 25वां प्रश्न है, किस राज्य ने जीवंत और टिकाऊ हस्तशिल्प क्षेत्र बनाने के लिए अपनी हस्तशिल्प नीति 2019 शुरू की है? ऐसे जो प्रयोग हो रहे हैं और ऐसी नीतियां जो बन रही हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया है, उड़ीसा ने किया है, अपनी हस्तशिल्प नीति 2019 में लागू की है, और जो हस्तकला के जो कारीगर हैं उनको ये निश्चित तौर पर सशक्त करेगी, और उनको जब सशक्त होंगे तो उनके पास क्या होगा, पैसे पड़ेंगे, विकास में भी भागीदारी करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, उनका सशक्तिकरण होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि इसरो द्वारा अपनी लिथियम आयन कोशिकाओं की, कोशिका नहीं ये सेल होगा, ये गलत है, कोशिका नहीं, यहाँ बैटरी की बात हो रही है, लिथियम आयन सेल, ये थोड़ा सा ये अनुवाद करने में दिक्कत हुई है। हाउ मेनी कंपनीज वेयर शॉर्टलिस्टेड बाई इसरो टू ट्रांसफर इट्स लिथियम आयन सेल्स टेक्नोलॉजी? तो लिथियम आयन सेल्स टेक्नोलॉजी जो है वो इसरो द्वारा, है ना, कितनी कंपनियां शॉर्टलिस्टेड की गई हैं? तो ये जो कंपनी है वो 10 कंपनियां शॉर्टलिस्टेड की गई हैं, 141 की लिस्ट दी गई थी और उसमें से 10 कंपनियां इसने चुना है, और ये जो डेवलप की गई है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तुम्बा के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किया है 10 कंपनियों का सिलेक्शन, वो नीति आयोग के साथ मिलकर किया है, 141 में से किया है। और ये जो बैटरीज हैं इनमें ध्यान रखिएगा कि ये 1.5 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक हैं, ध्यान रखिए AS तक हैं, ये यूनिट पूरी ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इनका जो उपयोग होगा वो लॉन्च व्हीकल जो होते हैं और जो हमारे उपग्रह होते हैं उनमें किया जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? कभी कभी ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और ये हैं राजीव नयन चौबे, इनको सदस्य बनाया गया है, और UPSC के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने राजीव नयन चौबे को पद की शपथ दिलाई, वही दिलाते हैं जो अध्यक्ष होते हैं, और UPSC में जो चेयरमैन होता है उसके अलावा 10 और सदस्य हो सकते हैं, 1+10। किस संगठन ने हाल ही में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
के लिए नए मानदंडों का एक नया सेट प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन बड़ा सरल है, ये किसका कार्य है? तो ये कार्य है सेबी का। लेकिन जब पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को तो कई बार आप डर सकते हैं। तो ये जो नया सेट प्रस्तावित किया गया है, निवेशकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, जो इन्वेस्टर होते हैं उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्होंने एक नए मानदंडों का सेट तैयार किया है। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को किसके राजा के रूप में ताज पहनाया गया, यानी कि किस यहाँ पे जो देश दिए हुए हैं किस राज्य है? तो ये इम्पोर्टेंट है, मलेशिया के ये 16वें राजा के रूप में ये चुने गए हैं, मतलब इनको ताज पहनाया गया, ताजपोशी की गई है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार भारत वर्ष में 2017-18 में बेरोजगारी दर क्या है? 2017-18 में बेरोजगारी दर क्या रही है? तो ये है 6.1%। 17-18 में इसने कहा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने, NSSO की बात हो रही है, कि 6.1% रही है, जो पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक भी इसने कहा है। विमुद्रीकरण के बाद में इसने एक सरकारी एजेंसी द्वारा ये आयोजित किया गया जो ये सर्वे था वो पहला सर्वे था, और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की 5.3% की तुलना में 7.8% है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में ये दर ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बेरोजगारी से तो सब त्रस्त ही हैं, खास करके जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, सारे लोग बेरोजगार रहेंगे, कुछ लोग सर्विस भी कर रहे हैं। 25 साल बाद इराक में पवित्र शहर नजफ के लिए नई दिल्ली से कौन सी एयरलाइन ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी? 25 साल से सेवाएं बंद चल रही थी, तो ये एयर इंडिया ही करेगी, एयर इंडिया ने की, क्योंकि ये अपनी जो गवर्नमेंट की है, ऐसा नहीं कि ही करेगी लेकिन लगभग ऐसा ही होता है। और इसने 14 फरवरी को 2019 में सुविधाएं फिर से शुरू की हैं, यात्राएं फिर से चालू हो गई। भारत का प्रमुख हाइड्रोकार्बन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजन हुआ है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। जब ग्रेटर नोएडा नहीं देता है तो आप ध्यान रखिएगा दिल्ली भी कभी कभी दे सकता है, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार एक जगह मैंने देखा था कि इसमें दिल्ली भी कुछ डिटेल में आ रहा था, जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था, मैं ये डिटेल कहीं ना कहीं न्यूज़ से मैं लाता हूँ। तो पेट्रोटेक 2019 जो सम्मेलन है ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, और कच्चे तेल की जिम्मेदार मूल्य निर्धारण के लिए उन्होंने कहा कि दोनों जो उत्पादक और उपभोक्ता उनके हितों को संतुलित करते हुए आपूर्ति और उसका जो रेट है वो उसकी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और 10 से 12 फरवरी के बीच में यह आयोजित हुआ था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, और उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है वहाँ पे हुआ था। 33 नंबर प्रश्न, यही प्रश्न जिसे कई लोग कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे वन लाइनर प्रश्न है, UPSC में ऐसे ही पूछे जाते हैं, बाई दी में नया प्रयोग होता है और क्वेश्चन बड़े किए जाते हैं, तो जो मैं यहाँ पे व्याख्या बताता हूँ इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप बस केवल क्वेश्चन देख के और छोड़ दें इसको, तो ये जो यहाँ का पोर्शन है इसको भी आप तैयार करते रहें, ठीक है ना? मेरा तो यही मानना है। 33 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका जलवायु और सतत विकास के लिए केंद्र, अफ्रीका जलवायु और सतत विकास के लिए केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है वो रोम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? रोम में। तो ये 28 जनवरी को इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने इसको रोम में उद्घाटित किया, इसका उद्घाटन हुआ। और अफ्रीकी देशों के लिए खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, इन सारी चीज़ों पे, सतत विकास पे तेज़ी लाने के लिए, इन सारे पहलुओं पर हेल्प करने के लिए जो भी नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी हैं, और क्या पहल होने चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इस पर इसमें चर्चा की गई है। किस सरकार, राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम अभियान के लिए 385 करोड़ रुपये मंजूर किए? तो ये जो सरकार है वो है आपकी पंजाब सरकार, और पंजाब सरकार ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट के लिए किया है, स्मार्ट विलेज कैंपेन को मंजूरी दी है, और 14वें वित्तीय आयोग और मनरेगा से धन के साथ योजना के कार्यान्वयन को वित्त पोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2018 के पूर्व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया, वो सिक्का कितने रुपए का है? तो वो जो सिक्का है वो 100 रुपए का सिक्का है, ठीक है? और सिक्के का वजन 35 ग्राम है,
और इसके एक सिरे पर कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं स्टेटमेंट देके, तो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़िए उसको। वहाँ पे वन लाइनर इसलिए है कि ये याद होता है, यहाँ पे डिटेल देखिए। एक सिरे पे अटल जी के नाम के साथ उनका चित्र है, नाम अंग्रेजी और देवनागरी में लिखा है, और तस्वीर के नीचे अटल जी के जन्म का साल यानी 1924 और मृत्यु का साल यानी 2018 में अटल जी का देहांत हुआ था, तो ये लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यहीं से बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। एक प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? कौन सा ड्रोन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है आई रोब ट्यूना। भारत का पहला अंडर वाटर रोबोट ड्रोन है जिसको लॉन्च किया गया है। इसे DRDO की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान जो प्रयोगशाला है, NPOL उसको बोलते हैं, उसको सौंप दिया गया है। और ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, अंडर वाटर ड्रोन है, आई रोब ट्यूना इसका नाम है, यही पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको आई रोब टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है, कोच्चि वेस्ट ये टेक्नोलॉजी है, कोच्चि में है। और भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? तो ये जो प्रथम बैंकिंग रोबोट है ये है लक्ष्मी, है ना, और इसका चेन्नई के कुंबाकोनम शहर, यहाँ पे देखिए ऐसे कहीं से मैटर लिया गया है, गुरुवार लिखा है, तो कुंबाकोनम शहर स्थित जो यूनियन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लॉन्च हो गया। आगे हम बात करते हैं, इसमें जो बीच के कुछ करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम चलते हैं। तो ये एक प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये सारे प्रश्न भी हमने डिस्कस किए हैं, इसके और आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पेज पे हमको जाना है। ये देखिए ये है, इनमें से कौन दूसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था और ये भी डिस्कस हुआ था। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तिथि क्या है? ये तिथि है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है दुनिया भर में, इसका प्रचार प्रसार ये भी हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री हैं और IMF की, और इन्होंने मॉरिस ओसफेल्ड की जगह ली है, ठीक है, जो 31 दिसंबर को अभी रिटायर हुए हैं, और वे मुद्रा कोष की आर्थिक सलाहकार और उनके अनुसंधान विभाग की निदेशक बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का 105वां सदस्य कौन सा देश बना? तो ये है अमरीकी क्रिकेट संघ, ठीक है ना, अमरीकी क्रिकेट संघ इसका 5वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार हॉफमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर है रोजर फेडरर, ठीक है ना, रोजर फेडरर, तो रोजर फेडरर को ये इम्पोर्टेंट है कि 3 बार हॉफमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, तो इनको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये आरक्षण कितने प्रतिशत है? ये आरक्षण है 10%, 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है और 7 जनवरी को ये निर्णय लिया गया है। डेट ऐसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन बाय द वे ये पूछ ही लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 ये लाया गया और इसके द्वारा धारा 15 और 16 में संशोधन किया गया संविधान की धारा में और फिर ये आरक्षण दिया गया, और ये जो मौजूदा आरक्षण 50% आरक्षण है उससे अलग दिया जाएगा, जो तो टोटल 50% का एक आता है ना, पूरा जोड़ते हैं जो, तो 50% से वो अलग दिया जाएगा, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 5,000 सीटें बढ़ाने के बाद में अब कुल कितनी सीटें हो गई? अभी ये घोषणा हुई थी तो अब टोटल जो सीटें हैं कितनी हो गई? 51,000, ठीक है ना, तो ये भी 7 जनवरी को बढ़ाया गया था। तो निम्नलिखित ये कुछ जनवरी के करंट वर्ष गए थे उसको हम लोग देख रहे हैं। किसी डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो
ये नंदन नीलकेड़ी को बनाया गया है। डिजिटल पेमेंट का जो ये बेहतर तरीके से देश में क्रियान्वयन हो पाए और उसकी सुविधाएं बढ़ाई जाए, इसके लिए इंफोसिस के ये संस्थापक हैं नंदन नीलकेड़ी, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। नंदन नीलकेड़ी ने इसके पहले भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था और वो आप लोगों को पता होगा, बताइएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए पहली बार, किस देश में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है ना, ये जीता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सिडनी टेस्ट हुआ उसमें बारिश हो गई और वो मैच ड्रा हो गया, ड्रा होकर खत्म हो गया और भारतीय टीम ने 4 मैचों की ये टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ठीक है, तो 71 साल में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहली टेस्ट सीरीज थी, भारत लकी रहा और ये जीत गया। क्षेत्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रामी मालिक को दिया गया है। याद आया ना, अभी हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, घूम फिर के सारा कुछ हम ऐसे ही कवर कर लेंगे। किस टीम ने प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब जीता? तो ये जो जीता है वो रहे हैं बेंगलुरु बुल्स। ये पिछले साल की उप विजेता गुजरात फॉर्च्यून ज्वाइंट्स को फाइनल में हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 का खिताब अपने नाम इसने कर लिया है ना। और मुंबई के NSCIS स्टेडियम में इसको खेला गया और इसमें बेंगलोर बुल्स ने गुजरात को हरा दिया, शिकस्त दे दी, 38-33 से जीत लिया। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? अभी ये पहली बार ही मनाया गया है और ये मनाया गया है 4 जनवरी को। कब मनाया गया? 4 जनवरी को। और ये जैसे कई बार लोगों में दृष्टि विकार होते हैं तो ब्रेल दिवस का उद्देश्य उन्हीं जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको ये अधिकार प्रदान करता है कि उनको ब्रेल लिपि दी जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ब्रेल लिपि उन तक पहुंचाई जाए। और 4 जनवरी 2019 को ये पहला दिवस मनाया गया है। 6 नवंबर 2018 में एक प्रस्ताव लाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा और उसी के कारण ये मनाया गया है। और ये जो डेट चुनी गई है आज ही के दिन, यानी कि ये 4 जनवरी के दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो लुईस ब्रेल हैं उनका जन्मदिवस होता है, इसी कारण से इसको ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमाकांत आचरेकर का हाल में निधन हो गया। वो क्या थे? तो ये क्रिकेट प्रशिक्षक थे और ये सचिन तेंदुलकर के भी कोच रहे। और इसके अलावा विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, समीर दीघे जैसे मशहूर खिलाड़ियों को भी इन्होंने प्रशिक्षित किया था। इनको पद्मश्री मिल चुका था, ये ध्यान रखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका था। और जो 2010 में भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कोच थे गैरी कास्टन, उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 3 बैंकों के विलय को स्वीकृति प्रदान की? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया और देना बैंक। कौन कौन से? बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया और देना बैंक, इनको इनका विलय किया जाएगा। और पहली बार बैंकों का ये त्रिपक्षीय विलय होगा, यानी कि जो हुआ होगा ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ है उस दिन की। और विलय के बाद यह बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक होगा, यानी कि जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो चुकी होंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हमने देखे, 50 क्वेश्चन आज भी ये कंप्लीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट आगे के एपिसोड में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।